हो बेगम, हर तरह के रिश्ते हैं मेरे पास, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, व्यापारी, जैसा चाहो। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों घर बसा चुकी हूँ। हाँ, तुम्हें भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, इतनी मान रखो। वैसे अगर पुराना मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए ना मरेंगी। इस घर में शादी जैसी कोई लड़की तो दिखती नहीं, इतने सारे लड़कों की फोटो, क्या तुम अपनी छोटी बहन खुशबू के लिए देख रही हो? नहीं नहीं, रुखसाना के लिए। रुखसाना को बड़ियापा ने रायचूर से बुलाया है, बेचारी अकेली है, उसके साथ तो माँ बाप का साया भी उठ चुका है, और फिर किसी का घर बसाना तो बड़े सवाब का काम होता है। मैं चाहती हूँ ये नेक काम मेरे हाथों से हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बड़ा ही नेक ख्याल है तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। हेलो, कौन? डॉक्टर साहब, आप अपने दवाखाने में रहिए, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं वहां आ रही हूँ पैसे लेकर। ये क्या मुसीबत मोल ले ली, बीमारी न हुई जी का झंझार हो गया। खुदा खैर करे, इस डॉक्टर ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। बढ़ियापा, अरे कहाँ मर गई थी, आजकल तो हर काम में देरी करना तुम्हारी आदत सी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी बहू बेगम की हाँ हुजूरी में लग गई है? जी नहीं बढ़ियापा, वो नीचे का नजारा देख कर जासूसी करने में कुछ देर हो गई। अरे किसकी जासूसी, कौन सा नजारा? वो मरियम भी है ना, कुछ लड़कों की तस्वीरें लाकर भाभी को दिखा रही है। क्या, कुछ लड़कों की तस्वीरें? जी हाँ। अब ये तो बता कि उन दोनों के बीच बातें क्या हो रही थी, तुमने जरूर कुछ सुनाई होगा, है ना? जी नहीं बढ़ियापा, मैं कुछ सुन नहीं पाई, मैं सिर्फ देख पाई क्योंकि मैं कुछ फासले पर थी। बेवकूफ कहीं की, अब जा यहाँ से। इसका ये मतलब है कि बहू बेगम जरूर कुछ चक्कर चला रही है, अब मुझे ही पता लगाना पड़ेगा कि माजरा क्या है। रुखसाना, रुखसाना! जी अपा? चल मेरे साथ। आदाब बता रही थी ताहिरा भी। फरीदा बता रही थी कि तुम आई हो। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। खुदा झूठ ना बुलवाए ताहिरा भी, बिन बुलाए तो मैं खुदा के घर भी ना जाऊं। वो तो बहू बेगम ने न्योता भेजा तो मैं आ गई। मरियम भी, ये रुखसाना है। माशाल्लाह, तो तुम हो रुखसाना। खुदा नजरे बद से बचाए, अल्लाह झूठ ना बुलवाए बहू बेगम। इसके लिए तुम्हें ऐसा लड़का ढूंढूंगी, ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो उसे पलकों पर बिठा के रखे, रानी बनाकर रखे, राज करोगी राज। बकवास बंद करो, रुखसाना के लिए लड़का ढूंढने के लिए तुमसे किसने कहा था? बहू बेगम ने। क्या, मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश मत करो बहू बेगम, वरना मुंह के बल गिरोगी। क्यों बढ़ियापा, आपको रुखसाना की शादी नहीं करानी है? मैंने तो इसलिए मरियम को बुलवाया। क्यों मरियम? बिल्कुल ठीक, आप जरा फोटो में तो देखिए कितने। खामोश, रुखसाना की शादी किससे करनी है और कब करनी है इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ, और तुम भी ये जानती हो बहू बेगम। चलो रुखसाना, अरे आई है लड़का ढूंढने।